नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जारी की गई थी 2019 में, उसके लिए दोस्तों रेलवे की तरफ से एक लिंक एक्टिवेट कर दी गई है। ये लिंक दोस्तों आपने जो आवेदन किया था NTPC की वेरियस पोस्ट के लिए उसके आवेदन की स्थिति बताएगा। यदि दोस्तों आपने NTPC के लिए अप्लाई किया था तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें आप ये जान पाएंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और उसके बाद जब आपको आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा तो लेफ्ट साइड में जो एप्लीकेशन स्टेटस है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका RRBs, आपने जिस RRB से फॉर्म फिलअप किया है, चाहे वो अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, अजमेर, भुवनेश्वर, गोरखपुर, मालदा, रांची, पटना, तिरुवनंतपुरम, इलाहाबाद, बिलासपुर, गुवाहाटी, मुंबई, सिकंदराबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, जम्मू श्रीनगर, मुजफ्फरपुर नगर, सिलीगुड़ी। तो दोस्तों आपने जिस भी RRB से फॉर्म फिलअप किया है आपको पर्टिकुलर उसी RRB पर आपको सिलेक्ट करना है। जिस प्रकार आप यहां पर भोपाल यदि सिलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। अब यहां पर दोस्तों आपको इस प्रकार का जब इंटरफेस दिखेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका जो फॉर्म फिलअप हुआ था तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों से यहाँ पर लिखा होगा पंजीयन क्रमांक, आपको वो पंजीयन संख्या यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जन्मतिथि लिखना है। और दोस्तों ये कैप्चा कोड है, जहाँ पर इंटर कैप्चा यहाँ पर जो फील्ड है यहाँ पर आपको फिलअप करना है और उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यदि आपको ग्रीन कलर से लिखा हुआ आएगा आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया गया है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। और यदि वहाँ पर लिखा गया हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया इस रीज़न से तो दोस्तों आपका फॉर्म निरस्त हो गया है। और यदि दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं क्योंकि 1.5 साल बाद रेलवे वापसी कर रहा है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी क्लिक करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, और उसके बाद आपको ये यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जब आप इतना सब कर लेंगे तो उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी RRBs की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप पर्टिकुलर जाकर अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड होने वाली सभी वैकेंसीज का सबसे पहले अपडेट आप तक सीधे प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो